शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भैया वो वाला बैग देना मुझे। हाँ। अरे आराम से, एकदम आराम से, काज का सामान है इसके अंदर, प्लीज। बुआ जी क्यों टेंशन ले रही हैं आप, कुछ नहीं टूटेगा। विशाल तू समझ नहीं रहा, इन सारे में ना बहुत महंगे महंगे सामान है। चलो भैया एकदम आराम से, ये दोनों को संभाल के उठा, इसको हाथ लगा। भैया एकदम संभाल के, इसके अंदर टीवी है, टीवी बहुत महंगा है, प्लीज। माँ, ये शर्मा जी के यहाँ नए किराएदार आए हैं क्या? हाँ शर्मा जी ने बताया तो था कि नए किराएदार आने वाले हैं, कोई औरत है जिसका पति दुबई में रहता है। अच्छा माँ, श्वेता गई कॉलेज? हाँ कब की? क्या बना रहे हो? पालक पनीर, पसंद है ना तुझे? मुझे बहुत पसंद है, जल्दी बनाओ ना माँ प्लीज, बहुत भूख लगी है मुझे। तू नहा तो ले, मैं बना रही हूँ। नहा ले, कल तो नहाया था अभी मैं। आप कितना माल चाहिए? हाँ चल भिजवाते हैं। क्या खूबसूरती है। चुप बैठ वरना बहुत पिटेगा। अरे पीटने के बहाने छूते लो मैडम। हाथ छोड़, मैंने कहा हाथ छोड़ मेरा। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। आज के बाद ऐसी हरकत की ना तो पुलिस में कमले लिखवा दूंगी, समझा? एक दिन उठा के ले जाऊंगा और फिर देखता हूँ कहाँ कंप्लेंट करेगी। मम्मी देखना कौन है। हेलो आंटी। हेलो, मैं ज्योति और ये मेरा भतीजा विशाल। नमस्ते। हम आपके नए पड़ोसी हैं। आइए अंदर आइए ना। ये मेरा बेटा है आनंद, बीकॉम कर रहा है। और ये मेरी बेटी श्वेता, 12th में है। श्वेता जा बेटा पानी लेके आए इनके लिए। जी बैठिए। जी बेटा आप भी बैठो। माँ कुछ नाश्ता ले आइए। आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी मैं और मेरे पति जो दुबई में काम करते हैं, और ये मेरा भतीजा है, यही पास में रहता है शहर में, कभी कभी आ जाता है मेरी हेल्प कराने। बैठो बेटा। मैं आंटी, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। जी आंटी। थैंक यू। वाओ कॉमर्स, अकाउंट्स पसंद है तुम्हें? जी बहुत। ओके पता है मैंने भी कॉमर्स किया। Really? हाँ, और मैं तो अपने क्लास की टॉपर थी। अरे वाह, नाइस। तुम्हें कुछ भी डाउट होगा तो तुम मुझसे आके पूछ सकते हो। जी बिल्कुल। काश हम उनके बालों के क्लिप होते तो उनकी जुल्फों से चिपके रहते। ऐसी भी क्या नाराजगी है, थोड़ा तो बात कर लो। अरे हाथ छोड़ मेरा, वरना बहुत पिटेगा। छोड़ दे, छोड़। ए, छोड़ मेरी बहन को।
नहीं तो क्या? डर तो बेटा मैं बहुत कुछ लूंगा ही, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ वॉर्न करके छोड़ रहा हूँ कि दूर रहे इससे। पर अगर आज के बाद तू उसके आसपास भी दिखा ना, तो तेरी जिंदगी के बहुत सारे दिन अस्पताल में गुजरेंगे, समझा? निकल यहाँ से। देख लूंगा बेटा तुझे, तुम्हें बस चला जाए यहाँ से वरना पिटेगा। बताता हूँ, तुम ठीक हो ना? हाँ जी भैया। तूने बताया क्यों नहीं मुझे, ये परेशान करता है तुझे? तो भैया मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा झगड़ा हो। तो पागल है क्या? बहन है तू मेरी, अगर तेरी तरफ कोई आंख उठा के भी देखेगा ना, आंखें निकाल लूंगा। देख, अगर आज के बाद तुझे कोई भी कुछ भी कहेगा, सबसे पहले तू मुझे आके बताएगा। जी भैया। चलो तुम्हें कॉलेज छोड़। हाँ देखना बाहर कौन है। तू नहीं देख सकता क्या? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना। जब देखो मामा। हेलो आंटी। हेलो बेटा, आप अंदर आओ। जी आंटी। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? भी अच्छी हूँ। घर पे बोर हो रही थी तो सोचा आपके पास चली आऊँ, थोड़ी बातें भी हो जाएगी और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। बहुत अच्छा किया तुमने, तुम बैठो मैं चाय लेके आती हूँ। थैंक यू आंटी। हाय। आइए ना बेटी। क्या पढ़ रही थी? अकाउंट्स। एक्चुअली अकाउंट्स में मैं थोड़ा वीक, हमेशा ये डेबिट क्रेडिट में फंस जाता हूँ। ओके, तुम्हें पता है मैं अकाउंट में बहुत अच्छी हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करा सकती हूँ। जी बिल्कुल। तो ठीक है, कल से आ जाओ मेरे घर पे, तुम्हारी स्टडी भी हो जाएगी और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। पक्का। लो चाय। और क्या बातें हो रही हैं? जी आंटी, अनंत बता रहा था कि उसका अकाउंट बहुत वीक है, तो अगर आप चाहो तो मैं इसकी हेल्प कर सकती हूँ, इससे इसकी स्टडी भी हो जाएगी और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, तुम जब चाहे इसे पढ़ाना शुरू कर सकती हो। लो चाय लो ना, ठंडी हो रही है। थैंक यू आंटी। तो ठीक है अनंत, जब भी तुम्हें टाइम मिले आ जाना घर पे। जी बिल्कुल। हस्बैंड क्या करते हैं तुम्हारे दुबई में? जी गोल्ड का शोरूम है उनका। हाय। हाय। कहाँ जा रही हो? बस घर जा रही थी। तो चलो मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं सुखी, तुम्हें तकलीफ होगी, मैं चली जाऊंगी। इसमें तकलीफ की क्या बात है, और वैसे भी मैं बुआ जी के घर ही जा रहा हूँ। हाँ चुकी, मैं चली जाऊंगी। अरे श्वेता मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा, कम सिट। या ओके। पकड़ लो वरना गिर जाओगी। चले।
कुछ नहीं, बस तुम्हें मिस कर रही हूँ। अब तुम्हारे बिना यहाँ सब खाली खाली लगता है। बहुत जल्दी तुम्हारे पास होऊंगा। और कितना इंतजार करवाओगे? आंखें तरस गई है तुम्हें देखने के लिए। अच्छा लिसन, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, डोर पे कोई आया है। हाय। हाय। अकाउंट्स में प्रॉब्लम हो रही थी तो आ गया आपसे हेल्प लेने। तो क्या यहीं पे सीखना है? अंदर आओ। मुझे सब पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। वो मैं सच में यार डेबिट ट्रेड में फंस गया फिर से। अच्छा, सब पता है मुझे तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम क्या चाहती हो मुझसे। ये क्या कर रही हैं आप? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? मुझे सब पता है कि तुम भी मुझे किन नजरों से देखते हो। अच्छा बताओ, उस दिन वीडियो क्यों ले रहे थे मेरा तुम? वो तो मैं बस। अब क्या हुआ, ये घबरा क्यों रहे हो? अच्छा एक काम करते हैं, पहले बायोलॉजी सीखते हैं फिर अकाउंट सीख लेंगे। लेट्स गो। देखो अनंत, मुझे पता है ये तुम्हारा पहली बार है, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। तुम बस मेरे प्यार के एहसास को फील करो। अरे तुम घबरा क्यों रहे हो? इधर आओ, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। I'll be back. ये सब लोग कौन हैं जो तुम्हें ऐसे मैसेज कर रहे हैं? क्या तुम्हारा इनके साथ भी अफेयर है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन चेक करने की? क्या सोचा तुमने? हाँ तुम मुझे कंट्रोल कर लोगे? लिसन वन थिंग, तुम सिर्फ यहां मेरी जरूरत पूरा करने के लिए और कुछ भी नहीं। और ये जो मुझे मैसेज कर रहे हैं ना, वो भी तुम्हारे जैसे ही है। मतलब कि मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ जरूरत पूरी करने का एक जरिया था? मैंने पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच लिया था, लेकिन गलती मेरी ही है जो मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ा। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? रह लोगे मेरे बिना? तुम रहने की बात करती हो? मैं आज के बाद तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। ओके, गेट लॉस्ट।
हेलो, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ बाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी जी है क्या? हाँ, ये बाजार गई है। ठीक है, एक्चुअली मुझे तुमसे ही बात करना था। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे तुमसे कोई रिश्ता रखना है। इससे चली जाओ यहाँ से। तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो क्या? अच्छा सॉरी बाबा, मुझे उस दिन तुम्हें इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था और मैं भी गुस्से में थी, लाइक मैंने बहुत कुछ बोल दिया। देखो ये बात सच है कि तुमसे पहले भी मेरे अफेयर्स रहे हैं, लेकिन तुम उनमें से एकदम अलग हो। तुम्हें पता है इन दिनों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया, इतना तो मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं किया। और तुम्हें पता है मैंने उन सारे नंबर्स को ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं, अब मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं, अब वो मुझे कभी कॉल नहीं कर पाएंगे। अब तो मुझे माफ कर दो ना प्लीज। ये लो, कान पकड़ के सॉरी प्लीज, सॉरी सॉरी बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी। थोड़ा मुझे मार जाएगी। पहले कहो तुमने मुझे माफ किया? हाँ बाबा ठीक है, माफ किया। ओके। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती। ठीक है पापा, मैं सुबह ही अनंत को आपके पास भेज देती हूँ, अब वो आपके साथ ही रहेगा। ठीक है अब मैं रखती हूँ, बाय। क्या हुआ माँ, नानू से बात कर रहे थे? हाँ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और नानू को परेशानी हो रही है, तो तू सुबह जा रहा उनके पास और अब से वहीं रहेगा। ये क्या बोल रही हो माँ? सही बोल रही हूँ, अब से तू उनके साथ ही रहेगा और वहीं रहकर पढ़ाई करेगा और नानू नानी का ख्याल भी रखेगा। तू सुबह की ट्रेन से जा रहा है। अरे पर माँ ऐसे कैसे? तू अपनी माँ से बहस करेगा? प्रॉब्लम क्या है, कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे कोई बहस नहीं करनी है, तू सुबह जा रहा है बस। और हाँ, जाते समय अपना मोबाइल यहीं छोड़कर जाना, माँ पापा के फोन से बात हो जाएगी। और जा अब अपने कपड़े और बुक्स पैक कर ले। अरे माँ मैं तो बस ये कह रहा था कि। चुप, तू जा रहा है बस। हेलो आंटी। बोलो। आंटी अनंत कहाँ है? आज वो सुबह से स्टडी के लिए नहीं आया और उसका नंबर भी नहीं लग रहा है। मैं सोच ही रही थी कि तू कब आएगी। क्या मतलब है आपका? मैंने तो तुझे एक अच्छी और संस्कारी औरत समझा था, पर तू तो नीच निकली। अरे ये क्या बोल रही हैं आप? ज्यादा पन मत, मैं सब जानती हूँ। जब यहाँ तू अनंत से लिपट रही थी ना, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि उसे यहाँ से दूर भेजना होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर डोरे डालने की? तुझे शर्म नहीं आई? तू जैसी औरतें समाज में गंदगी फैलाती है। मैं बात करूंगी शर्मा जी से कि तुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दे।
वरना तेरा खुद का तो पति है नहीं यहाँ, तो तू मोहल्ले के दूसरे लड़कों पर डोरे डालेगी। आंटी बस, आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे। पता है तू कैसी रिस्पेक्ट करती है, तेरे जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। चल चल भाई निकल यहाँ से, और आज के बाद मेरे घर की तरफ आंख उठाकर मत देखना, समझे? बढ़िया ही। इसमें ऐसा क्या जो मुझ में नहीं है? इसके साथ तो बड़े आराम से घूमती है। कौन है तेरा बॉयफ्रेंड? ओए जो भी हो बकवास बंद कर और निकल यहाँ से, समझा? छोड़ो विशाल, इसके मुंह मत लगो, ये तो है ही आवारा। हाँ निकल निकल, अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ, बताता हूँ तुझे। देख हेलो बेटा, श्वेता तेरे घर आई है क्या? वो कॉलेज से अभी तक घर नहीं लौटी है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। ठीक है बेटा, कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। अभी तक नहीं आए, कितनी देर हो गई। हाँ माँ। हेलो बेटा आनंद, कहाँ है तू? मैं नाना जी के। बेटा तू जल्दी घर आ जा। क्या हुआ माँ, आप परेशान लग रही हो? हाँ बेटा, श्वेता अभी तक घर नहीं लौटी है। मैंने उसके सभी दोस्तों से पता कर लिया, किसी को कुछ पता नहीं है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। बेटा मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माँ आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं कल सुबह होते ही घर पहुँच जाऊँगा। और आप कल सुबह ही मिसिंग कंप्लेन लिख पाइए थाने में। ठीक है बेटा। जी बेटा, तो बेटा मैंने श्वेता को हर जगह ढूंढ लिया, उसका कहीं कुछ पता नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई है। आपने एफआईआर लिखवाई? हाँ, पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है और कहा है कि जैसे कुछ पता चलेगा तो बताएंगे। बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी श्वेता के साथ कुछ गलत है। माँ फिक्र मत कीजिए, श्वेता को कुछ नहीं होगा, मैं ढूंढ निकालूंगा उसे। जरूर उस आरिफ का ही काम है। आरिफ? हाँ माँ, एक लड़का है वो श्वेता को बहुत परेशान करता था। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं आता हूँ पता कर दूँ। अरे अरे कहाँ जा रहा है, सुन तो। कुछ दिन अपने पास रख, थोड़ा केस ठंडा हो जाने दे। हाँ चल रख। क्या किया तूने मेरी बहन के साथ? कहाँ है वो? ये क्या बोल रहा है तू? मैं श्वेता के बारे में कुछ नहीं जानता। झूठ बोल रहा है तू, तू ही हमेशा उसका पीछा करता था। एक मुझे बता दे कहाँ है मेरी बहन। मैं सच बोल रहा हूँ ना, तो मैं श्वेता के बारे में कुछ नहीं जानता, कहाँ गई? पुलिस मुझसे पहले पूछ चुकी है, अगर मैं कुछ किया होता तो पुलिस मुझे छोड़ती क्या? अरे तेरे अलावा और कोई नहीं जानता था और कोई पीछा नहीं करता था उसका। देख मुझे बता दे कहाँ है मेरी बहन। देख अगर तू इतना दुखी है मैं तुझे सच बता दूँ, तेरा पड़ोसी ना विशाल, उसके साथ घूमते देखा मैंने उसे हमेशा। विशाल तूने पुलिस को क्यों नहीं बताया? अरे मैं श्वेता से गुस्सा था, मेरी तरफ से मरती उम्र है, मुझे क्या, मैंने इसलिए पुलिस को कुछ नहीं बताया।
अरे वो पूर्णिमा आंटी है ना, उनकी लड़की कल से गायब है। कल कॉलेज के बाद घर ही नहीं आई। मुझे तो लगता है कि किसी लड़के वड़के का चक्कर है। एक मिनट, दरवाजे पे कोई है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय। विशाल कहाँ है? क्या हुआ है आनंद, तुम विशाल के लिए क्यों पूछ रहे हो? हमेशा कहे कि विशाल ने ही श्वेता के साथ कुछ किया है और वो अपने घर पे भी नहीं है, तो यहाँ पर जरूर होगा, बुलाइए उसे। इंस्पेक्टर साहब, मैं उसे बुला लूंगी, लेकिन उस दिन विशाल मेरे घर पर ही था और अगले दिन गया वो। वो तो हम पता कर लेंगे, आप बुलाइए उसे। विशाल, विशाल। जी बुआ जी। एक मिनट, यहाँ आना। हाँ आया। अरे पता कहाँ है मेरी बहन? आनंद, बहुत उसे घुमाता था ना बाइक पे बिठा के, तू अब बोल कहाँ है? आनंद, आनंद। नहीं मारूंगा साले तुझे, सच सच बता वो जी, सच सच बता वरना यही छोड़ूंगा तुझे। आनंद शांत रहो। विशाल, श्वेता को कहाँ गायब किया? सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। हाँ मैं मानता हूँ कि जिस दिन श्वेता किडनैप हुई उसको मैंने ही कॉलेज ड्रॉप किया था, लेकिन उसके बाद में उससे नहीं मिला सर। और शाम को मैं बुआ जी के घर आ गया था और अगले दिन गया। बुआ जी बताइए ना प्लीज। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सच कह रहा है। अगर ये सच बोल रहा है तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? जब तक हम वेरीफाई नहीं कर लेते इसे हमारी कस्टडी में रहने पड़ेगा। ले चलो इसे। सर 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 बुआ जी सर सर, नी, सर, सर। अनंत तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, मुझे जाना है। अरे नाराज हो क्या? देखो जो हुआ उसका अफसोस मुझे भी है। विशाल और श्वेता एक दूसरे को पसंद करते थे, ये विशाल ने मुझे खुद बताया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विशाल ने कुछ किया है। मुझे तो उस आरिफ पे शक है। पता है श्वेता ने मुझे बताया भी था कि किस तरह से आरिफ उसको परेशान करता है। ये सब आरिफ का ही काम है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं पीनी मुझे चाय। अरे जाना है मुझे अभी। आनंद नहीं माँ, कुछ पता नहीं चला। कहाँ गई मेरी बच्ची? किस हाल में होगी? क्या हो गया? कहाँ चली गई तू श्वेता? बैठिए बैठिए माँ। तू कहीं से भी उसको ढूंढ कर लाओ, मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। बात रोइए ना, मैं ढूंढ के लाऊंगा अपनी बहन को। हाँ परेशान मत होइए। हाँ हाँ मेरे पास ही है, पर इस बार ज्यादा पैसे लगेंगे। तू एक काम कर, गोदाम के पीछे आ जा पुराने वाले, मैं यहां से निकलता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, चल। स्कूटी भी ना अभी धोखा देना।
माल लाया है ना अपने पास, एकदम कड़क माल है। पर पैसा बराबर चाहिए। पैसा लाया ना भाई, पैसे की फिक्र मत। हाँ एकदम कड़क माल मिलेगा। पर एक बात सुन ले, मजा आने चाहिए। ए, पूरा मजा आएगा। पक्का? हाँ पक्का। तो सुनने के बाद, अरे यार इसको लाया ये, तू मरवाएगा यार। मैं तो अरे रुकना भाई। आरिफ तुझे अगर मेरी बहन के बारे में कुछ भी पता है ना तो प्लीज बता दे यार, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों मेरे पीछे पड़ा है भाई? मुझे श्वेता के बारे में कुछ नहीं पता, कसम से। मेरा पीछा छोड़ दे भाई, गलती हो ही तेरी बहन को छेड़ दिया, आज के बाद किसी भी लड़की को नहीं छोड़ूंगा। जा यार, तेरी वजह से सारा काम खराब हो गया। जा यार भाई, मेरे पैसे तो देता जा। अनंत एक मिनट रुको, तुम्हें पता है पुलिस ने विशाल को छोड़ दिया है, वो निर्दोष है। I'm sorry, मेरे शक की वजह से तुम्हें ही परेशानी उठानी पड़ी। अरे कोई बात नहीं अनंत, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। पुलिस पर भरोसा रखो, वो श्वेता को ढूंढ निकालेगी। और ना मुझे पूरा यकीन है कि श्वेता को कुछ नहीं होगा। और प्लीज रोना बंद करो। अच्छा अभी चलो मेरे साथ, बहुत टाइम हो गया हमने साथ बैठकर टाइम स्पेंड नहीं किया। चलो। नहीं माँ अकेली है घर पे। अरे तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? चलो। नहीं चलो यार, चलो तुम। चले। देखो अभी मैं बहुत टेंशन में, अभी नहीं प्लीज। कोई नहीं, मुझे लगा तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। पता नहीं श्वेता किस हाल में होगी। अनंत भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। सारी मेरी गलती है, काश मैं यहाँ से ना गया होता, पास सब कुछ सही होता। काश माँ ने मुझे नानू के यहाँ ना भेजा होता तो शायद श्वेता ठीक ठाक होती। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ को हम दोनों के बारे में पता चल गया और इसीलिए माँ ने मुझे जबरदस्ती नानू के यहाँ भेजा? लेकिन इत्तेफाक देखो, इसके बावजूद भी आज मैं तुम्हारे साथ बैठ। लौटते क्यों नहीं? इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जाने नहीं देती। मतलब? मतलब ये कि अनंत मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ। और सुना है कि सच्चा प्यार करने वाले कभी जुदा नहीं होते। ये तो श्वेता की नोटबुक है शायद। नहीं ये विशाल का नोटबुक है, यही भूल गया वो पागल कहीं का। लेकिन ऐसे एक बुक श्वेता के। मैं चलता हूँ, माँ इंतजार कर रही होगी। अनंत अनंत रुको।
तो श्वेता की नोटबुक है। ये भी श्वेता की? इसका मतलब श्वेता यहीं कहीं। श्वेता, उठ मेरी बहन, श्वेता, श्वेता, उठा, क्या क्या हो गया तुझे, श्वेता, श्वेता कुछ बोलना, श्वेता, श्वेता सारा सामान है श्वेता की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, तुम्हारी सारी पोल खुल गई है। क्यों मारा श्वेता को? सर मैं श्वेता को मारना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ उसे किडनैप करना चाहती थी। पर क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि अनंत वापस मेरे पास आ जाए। क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह पा रही थी सर, और मुझे लगा कि जब उसे श्वेता के गायब होने की खबर मिलेगी तो वो मेरे पास आएगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन इन सब के चक्कर में श्वेता मारी गई। उस दिन जब श्वेता कॉलेज से वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे मैं ही मिली थी। श्वेता, श्वेता कॉलेज से आ रही हो? हाँ। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। वो एक्चुअली मेरे एग्जाम है। श्वेता मैं घर पे बैठ के बहुत बोर हो जाती हूँ, तो सोचा तुमसे बात करूँगी तो मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। नहीं एक्चुअली मेरा इकोनॉमिक्स का एग्जाम है और इकोनॉमिक्स में मैं बहुत वीक हूँ, इसलिए मुझे पढ़ना है। मैं नेक्स्ट टाइम आती हूँ ना। अरे उसकी तैयारी मैं तुम्हारा करवा दूंगी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मेरी इकोनॉमिक्स ना अच्छी है। अब चलो मेरे साथ, मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और तुम्हारे टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं घर से चेंज करके आती हूँ। अरे चलो यार, बाद में चेंज कर लेना, एक घंटे की तो बात है बस, चलो। अच्छा ठीक है। हाँ।
श्वेता तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ, उसके बाद स्टडी करेंगे। अरे चाय की क्या जरूरत है। अरे इट्स ओके यार, बैठो तुम, मैं अभी आई। ओके ये लो गर्मा गर्म चाय। अरे इतनी जल्दी चाय बन गई? हाँ तो चाय बनने में टाइम ही कितना लगता है। अच्छा मुझे ये कम्युनिटी कप समझ में नहीं आ रहा, प्लीज समझा दीजिए ना। अब ये सब मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी, है ना, पहले तुम ये चाय पियो ना, चाय पियो, चलो जल्दी फिनिश करो। वैसे इकोनॉमिक्स आपको टफ नहीं लगती? नहीं मुझे तो बहुत टफ लगती है। श्वेता क्या हुआ है? पता नहीं। तुम ठीक हो? ज्योति जी मुझे चक्कर आ रहे। श्वेता 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 और उसी शाम मेरा भतीजा विशाल मेरे घर पे आया और वो यहीं रुक गया और मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं श्वेता की बॉडी को बाहर निकाल सकूं। इस सफोकेशन की वजह से उसकी जान चली गई। फिर मैंने सोचा कि बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसे फेंक दूं ताकि किसी को पता नहीं चलेगा। तुम हवस में इतनी अंधी हो गई? अब सड़ो जेल में जाकर, ले चलो इसे। तुम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो।